हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल मनीफेस्ट ट्रेडिंग। दोस्तों, एक हफ्ते से ज्यादा की गिरावट के बाद आज फाइनली मार्केट में थोड़ा पॉजिटिविटी दिखी। सर, लग रहा था कि आज सभी सेक्टर में और सभी जनरली सभी स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग हो रही है। आप देख सकते हो किस तरीके से मार्केट ब्रेड की अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट 1100 स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे और 750 स्टॉक्स के आसपास डिक्लाइन कर रहे थे दोस्तों, क्योंकि दिखा रहा है जबरदस्त पॉजिटिव अपसाइड देखने मिल रहा था हमें। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें, निफ्टी बैंक मिड कैप, निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी 200, निफ्टी 100, निफ्टी 500, सभी में आपको दोस्तों बेसिकली एक ब्रॉड बेस्ड रैली देखने मिली। तो ये जब मार्केट ऊपर जाता है और सभी इंडाइसेस में अगर आपको एक साथ अपसाइड देखने मिले तो मतलब जबरदस्त बाइंग होना शुरू हो चुका है दोस्तों। ये एक शुरुआत है बाइंग की। तो ऐसे में क्या निफ्टी भी अपनी अपसाइड जर्नी कंटिन्यू रख सकता है दोस्तों? ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। सबसे पहला फैक्टर होगा कि इफ इन केस कोविड की कोई भी और नेगेटिव न्यूज ना आए, क्योंकि ऑलरेडी काफी नेगेटिव न्यूज फैक्टर इन हो चुकी है और काफी ज्यादा करेक्शन हो चुका है दोस्तों, एक हेल्दी करेक्शन हो चुका है। अब इसके अलावा कोई नेगेटिव न्यूज ना आए इस फैक्टर के अलावा, सेकंड फैक्टर ये है कि क्या क्या पॉजिटिव न्यूज हमें देखने मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। इसके अलावा तीसरा फैक्टर ये है दोस्तों, कुछ हैवीवेट स्टॉक्स होते हैं इंडाइसेस के, जिनमें क्षमता होती है कि वो अपने दम पे इंडाइसेस को कैरी कर सकते हैं, इंडाइसेस की रैली भी कैरी कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे कौन से वो स्टॉक्स हो सकते हैं और ऐसा कौन सा वो स्टॉक है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एक अच्छा अपसाइड आपको देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में, और ये स्टॉक जब भागेगा तो अपने दम पे दोस्तों निफ्टी को भी अपने साथ लेके चलेगा। निफ्टी में आपको दोस्तों एक अच्छा अपसाइड देखने के लिए दो क्रूशियल लेवल्स को तोड़ना जरूरी है, 17,600 और 17,000। तो निफ्टी को अगर एक स्ट्रांग अपसाइड दिखाना है इतने हेल्दी करेक्शन के बाद, इन दो लेवल्स को तोड़ना जरूरी है दोस्तों। ये दो लेवल्स अगर तोड़ते हैं निफ्टी तो डेफिनेटली आपको आने वाले दिनों में एक अच्छा अपसाइड देखने मिल सकता है। तो अब सवाल उठता है कि क्या निफ्टी अपने करंट लेवल से इन लेवल्स को तोड़ पाएगा दोस्तों? तो इन लेवल्स को तोड़ने के लिए मुझे लगता है ये तीसरा फैक्टर जो है हैवीवेट स्टॉक्स का, उन पे आपको नजर रखनी चाहिए। उन स्टॉक्स में से कोई एक स्टॉक अपने साथ साथ अपनी खुद की रैली के साथ साथ निफ्टी को भी यानी कि इस इंडाइसेस को भी कैरी कर सकता है और इन लेवल्स के पार पहुंचा सकता है दोस्तों। आइए ऐसे ही एक स्टॉक के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उस स्टॉक को डिस्कस करने से पहले एक निफ्टी का व्यू ले लेते हैं, शॉर्ट व्यू, और उसके बाद हम उस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, वरना आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिस कर देंगे। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है जो कि डेली चार्ट लगा हुआ है। आप देख रहे हो अक्टूबर के मंथ में निफ्टी ने 18,600 के लेवल्स को टच किया था और वहां से जो गिरावट हो रही है दोस्तों बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही है, और अब जाके फाइनली ऐसा लग रहा है कि मार्केट 16,800 के लेवल से बाउंस बैक दिखाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। बाउंस बैक होगा या नहीं होगा या यहां से और गिरावट आएगी वो तो डिपेंड करेगा आगे किस तरीके की न्यूज फ्लो आ रही है। तो निफ्टी ने अपने हाईस यानी कि 18,600 से लेके 16,800 से एक बाउंस बैक दिखाने की कोशिश की है, और यहाँ से यहाँ तक का जो एक बेसिकली एक बहुत ही हेल्दी करेक्शन मैं मानता हूँ, ये बेसिकली एक बहुत ही हेल्दी करेक्शन है, ऑलमोस्ट 9% तक का आप करेक्शन है अगर आप कैलकुलेट करें इसे। तो जनरली आपको पता होना चाहिए दोस्तों 5% तक अगर होता है तो ये इसे हम पुल बैक कहते हैं, और अगर 10% तक हम उसे करेक्शन कहेंगे। तो यहाँ से एक बाउंस बैक होता हुआ दिख रहा है, इसीलिए मैं कहूंगा कि एक हेल्दी करेक्शन था दोस्तों, एक 9% का हेल्दी करेक्शन। अब पॉसिबिलिटी अभी भी है कि यहाँ से और भी नीचे गिर सकता है, डिपेंड्स ऑन क्या न्यूज फ्लो आती है। कोविड के जो नया वेरिएंट आया था उसके चलते जो न्यूज आ रही थी उसके चलते काफी मार्केट में रिसेंटली गिरावट आई है, लेकिन आज आपको ऐसे भी न्यूज सुनने मिल रही थी कि ओमिक्रॉन जो जितना पहले हम फियर कर रहे थे जितना एग्रेसिव हो सकता है ये नया वेरिएंट, उतना एग्रेसिव शायद ना हो, इस फियर को काफी हद तक इज आउट करने की कोशिश की गई आज, और इसी के चलते मार्केट अच्छी खासी पॉजिटिव थी जो आप ऑलरेडी देख चुके हो। एक और रीजन मुझे लगता है कि मार्केट इससे ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से 16,800 जो है ये उसका एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन मुझे दिख रहा है, बेसिकली ये उसका एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन है, डिमांड जोन जिसे हम कह सकते हैं। इसको मैं प्रॉपरली ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको कि ये वो डिमांड जोन है जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ से आप देख सकते हो स्टॉक ने पहले भी यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया, दोबारा रिट्रेसमेंट दिखाया और दोबारा सेकंड अटेम्प्ट में इस जोन को तोड़ के जब अपसाइड गया तब आप देख सकते हो किस तरीके का अपसाइड मूवमेंट दिखाया दोस्तों, और आप जाके ये फाइनली इस पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है।
रिजेक्शन को डाउनसाइड दिखा रहा है फिलहाल, और एक बाउंस बैक हमें विजिबल है। ये बाउंस बैक कंटिन्यू रहता है आगे, ये आगे देखने वाली बात होगी दोस्तों। बाउंस बैक को अपसाइड कंटिन्यू रखने में काफी सारे फैक्टर्स का रोल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन किस तरीके की न्यूज फ्लो आती है मार्केट में, कितने ज्यादा पॉजिटिव न्यूज होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये सारी चीजें। फिलहाल आरएसआई की अगर हम बात करें तो आरएसआई ऑलरेडी काफी ओवरसोल्ड दिख रहा है, तो यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आरएसआई में स्ट्रेंथ गैदर करने की कोशिश कर सकता है। अब दोस्तों जैसे मैंने कहा बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं इस मार्केट को अभी अपसाइड रखने के लिए, में से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों से कि एक हैवी वेट स्टॉक है इस मार्केट का, इस निफ्टी का, जो अकेले अपने दम पे निफ्टी को हायर लेवल्स पे लेके जा सकता है। क्योंकि जो निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक्स होते हैं मार्केट के अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स, उनके वेटेज ज्यादा होते हैं तो डेफिनेटली उनमें वो क्षमता रहती है कि वो अकेले अपने दम पे मार्केट को खींच के ले जा सके, अच्छा खासा अपसाइड दिखा सके। क्योंकि जिस दिन वो भागेंगे तो डेफिनेटली निफ्टी भी उस दिन उनके साथ अच्छा अपसाइड दिखा सकता है, क्योंकि उनकी वेटेज ज्यादा होती है। ऐसे एक स्टॉक के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं जो मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में, हो सकता है शायद कल इमीडिएटली ना दिखाए क्योंकि कल एक्सपायरी का डे है, तो मार्केट बेसिकली रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है, एक्सपायरी में जनरली ऐसा ही रहता है। बट आने वाले कुछ दिनों में मार्केट को जो अपने क्रूशियल लेवल्स है उन लेवल्स को तोड़ने में हेल्प कर सकता है वो स्टॉक, क्योंकि वो स्टॉक जब भागेगा तब अपने साथ साथ निफ्टी को भी उन लेवल्स को क्रॉस कराने में हेल्प कर सकता है। दो इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल्स है, वो है 17,600 के लेवल्स, दूसरा है 17,800 के लेवल्स, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है इसका। इन दो लेवल्स को जब तोड़ेगा निफ्टी तो डेफिनेटली उसके बाद ही आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूवमेंट देखने मिल सकता है। ये बाउंस बैक जो हुआ है डेफिनेटली इतना स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक नहीं दिख रहा है फिलहाल क्योंकि आरएसआई में स्ट्रेंथ नहीं है, बट ये जो स्टॉक जिसकी हम आज अभी बात करने जा रहे हैं वो स्टॉक डेफिनेटली उसको यहाँ से इन दो लेवल्स को क्रॉस करने में हेल्प कर सकता है, या इन दो लेवल्स को डेफिनेटली वो निफ्टी को इन दो लेवल्स के पार ड्रैग करने की कोशिश कर सकता है दोस्तों, और ये स्टॉक उतनी क्षमता रखता है। आइए कौन सा वो स्टॉक है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों स्टॉक मार्केट में किसी भी बिगनर की जर्नी काफी डिफिकल्ट रहती है, डिफिकल्ट इसलिए रहती है क्योंकि उसके पास सही नॉलेज, कॉन्फिडेंस, स्किल्स या पेशेंस नहीं होता, उसके अलावा उसे कोई प्रॉपर हैंड होल्डिंग या सपोर्ट नहीं मिलता, या उसे वर्केबल स्ट्रेटेजीज की जानकारी नहीं होती, और सबसे इम्पोर्टेंट मेंटल टफनेस की कमी होती है दोस्तों। और हम भी आपकी तरह इस जर्नी से गुजर चुके हैं, इसीलिए हम आपकी इस डिफिकल्ट जर्नी में आपकी मदद करना चाहते हैं और आपकी इस जर्नी को एंजॉयबल बनाना चाहते हैं विद प्रॉपर गाइडेंस एंड हैंड होल्डिंग, जो कि हम एब्सोल्युटली फ्री करेंगे, आपसे कोई चार्ज नहीं लेना चाहते दोस्तों। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव और एफर्ट अच्छा लगता है तो आप भी हमें सपोर्ट कर सकते हो हमारे लिंक के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन करके अपस्टॉक्स में। अपस्टॉक्स का डीमैट अकाउंट लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। दोस्तों क्योंकि मैंने वेटेज की बात की, कुछ हैवी वेट स्टॉक्स की बात की, तो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एनएससी का इंडेक्सोग्राम जो कि लेटेस्ट अपडेटेड है 30th नवंबर 2021 का। यहाँ आप बेसिकली देख सकते हो किन सेक्टर्स को ज्यादा वेटेज दिया गया है, यह या आप यहाँ पे विजिबल है आपके लिए। इसके अलावा ये वो स्टॉक्स है जिनमें सबसे ज्यादा वेटेजेस दिए गए हैं, तो ये स्टॉक अपने अपने वेटेज के हिसाब से वो क्षमता रखते हैं कि अपने अच्छे मूवमेंट के साथ निफ्टी को भी अपने साथ साथ ड्रैग कर सके और निफ्टी में भी एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने मिल सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से रिलायंस का 10% का वेटेज है, एचडीएफसी बैंक का 8%, इन्फोसिस का 8.62%, आईसीआईसीआई बैंक का 6.72%, एचडीएफसी का 6.55%। तो जनरली इस तरीके से वेटेज है अलग अलग स्टॉक की, ये टॉप 10 वेटेज वाले स्टॉक्स है। अब वो कौन सा स्टॉक है जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, आइए उस पर नजर डालते हैं। दोस्तों जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो करंटली ट्रेड कर रहा है 2467 पे। जैसा कि आपने अभी ऑलरेडी देखा रिलायंस का वेटेज सबसे ज्यादा है 10.67%, और होगा क्यों नहीं क्योंकि ये लार्ज कैप स्टॉक, ये लार्ज कैप सेक्टर में नंबर वन रैंक स्टॉक है दोस्तों, सबसे बड़ा और सबसे दिग्गज स्टॉक है इंडियन स्टॉक मार्केट का, जिसकी सबसे बड़ी मार्केट कैप है। अगर हम लास्ट एक मंथ की बात करें तो स्टॉक बहुत ज्यादा भागा हुआ नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे 5.5% के नेगेटिव रिटर्न दिए स्टॉक ने, ऑलरेडी 5% तक गिर चुका है एक महीने में। इसके अलावा अगर हम इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की बात करें तो आप देख सकते हो इंट्रेंसिक वैल्यू से लो है, तो ये तो डेफिनेटली दोस्तों क्योंकि नंबर वन रैंक है तो डेफिनेटली इंट्रिंसिक वैल्यू से हायर प्रीमियम पे आपको ये स्टॉक मिलेगा हमेशा। एफडी के मुकाबले बेहतर रिटर्न दिए, ज्यादा अच्छा एफडी नहीं देता है, और इस स्टॉक में एंट्री करने का ये बिल्कुल भी सही समय है दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल भी किसी भी तरीके से ओवरबॉट जोन में नहीं है और बहुत ही सही एंट्री पॉइंट पे है ये स्टॉक। इसके अलावा कोई इसमें रेड फ्लैग नहीं है दोस्तों, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों मैंने कल के वीडियो में भी आपको कुछ स्टॉक्स बताए थे ग्रीन हाइड्रोजन के स्टॉक्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको जरूर देखना चाहिए, उसमें भी मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का जिक्र किया था और आपको कहा था कि टाइम टू टाइम
आपको इस स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करते रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए भी ये बहुत ही जबरदस्त स्टॉक होने वाला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको जरूर देखना चाहिए, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा और इस वीडियो के एंड में लिंक कर दूंगा। अब दोस्तों जो 10 हाई वेटेज वाले स्टॉक्स थे, क्यों मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ रिलायंस ही वो स्टॉक है जिसमें एक अच्छा अपसाइड हो सकता है आगे आने वाले समय में, आने वाले कुछ दिनों में, और अपने साथ साथ वो अब निफ्टी को भी उन क्रूशियल लेवल्स के पार ड्रैग कर सकता है दोस्तों, ताकि निफ्टी में भी आगे चल के एक अच्छा अपसाइड हमें देखने मिले। क्या उसके रीजन हो सकते हैं? एक सबसे पहला रीजन ये है कि उसका वेटेज ज्यादा है, ठीक है। दूसरा क्या रीजन है उसको हम चार्ट पे समझेंगे। दोस्तों यूट्यूब के अलावा आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जहां हमारी एक छोटी सी फैमिली है 1500 लोगों की। जो लोग हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं वो लोग जानते हैं हम आपको रेगुलरली फ्री स्विंग ट्रेड कॉल्स देते हैं, जहां आप 7, 10 या 15 दिनों में मिनिमम 5, 10, 15% तक आप गारंटेड कमा सकते हो दोस्तों। अगर आप पेशेंस रखो तो आप उससे ज्यादा भी कमा सकते हो दोस्तों। और हम ये नहीं चाहते कि आप सिर्फ कॉल्स पे डिपेंड रहे, इसलिए हम आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चार्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं विद परफेक्ट एंट्री स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स। इसकी मदद से आपको समझ में आया कि जो भी हमने कॉल्स दिए हैं उसके पीछे के लॉजिक्स क्या है, और अगर कोई डाउट या क्वेरी रह जाती है तो आप हमारे साथ इंडिविजुअली हमसे इंटरेक्ट कर सकते हो, जहां हम आपके सारे डाउट्स और क्वेरीज को पर्सनल अटेंशन देके आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये ग्रुप प्राइवेट है इसलिए आपको नीचे दिए गए लिंक के थ्रू ही ज्वाइन होना होगा दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा अगर आप हमारे स्विंग ट्रेड कॉल्स की क्वालिटी को समझना चाहते हैं तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हो ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, जहां हम रेगुलरली हमारे मेंबर्स के लव अप्रिसिएशन रिएक्शन बेस्ट विशेस और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे मेंबर्स के कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट्स भी रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करते हैं दोस्तों। अगर ये देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आता है तो आप हमें दोनों इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हो दोस्तों, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट लगा हुआ है, डेली चार्ट। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? बेसिकली यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है अक्टूबर मंथ में ऑलमोस्ट 2750 के लेवल्स को इसने टच किया था, और वहां से जो गिरावट आई है, एक दो बार पुल बैक की कोशिश की गई थी लेकिन जो गिरावट आई है बेसिकली आपको 2300 के लेवल्स देखने मिले विद इन अ स्पैन ऑफ 1-1.5 मंथ, जो कि ऑलमोस्ट 16% तक का एक हेल्दी करेक्शन हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे जबरदस्त करेक्शन हो चुका है, बीच में काफी नेगेटिव न्यूज भी थी रिलायंस को लेके, सऊदी अरब को डील को लेके, लेकिन दोस्तों रिलायंस हमेशा सबसे दो कदम आगे चलता है दोस्तों। अगर सऊदी अरब को डील फेल भी हो गई तो डेफिनेटली मोटा भाई के पास कुछ और प्लान भी जरूर रहेगा, और इसके चलते अब चार्ट पे मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटअप दिख रहा है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से आपको एक ट्रेंड लाइन, फॉलोइंग ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इसका ब्रेकआउट दोस्तों आपको डेफिनेटली आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है, ये ऐसा मुझे लग रहा है, और बहुत ही स्ट्रांग ब्रेकआउट हो सकता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो 3-4 दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है और आज इसने एक अपसाइड दिखाने की कोशिश की है, तो ये डेफिनेटली यहाँ पे कल एक आने वाले दिनों जबरदस्त ब्रेकआउट हो सकता है, और इस ब्रेकआउट के चलते आपको निफ्टी में भी एक स्ट्रांग अपसाइड मूवमेंट देखने मिल सकता है दोस्तों। हो सकता है कल इमीडिएट ना हो क्योंकि निफ्टी कल शायद रेंज बाउंड रह सकती है एक्सपायरी के चलते, और एल्स मे बी रॉन्ग कल भी मूवमेंट दिखा सकता है, बट आने वाले कुछ दिनों में आपको डेफिनेटली ये एक अच्छा स्ट्रांग अपसाइड मूवमेंट देखने मिल सकता है दोस्तों। आइए उस लेवल को ड्रॉ कर लेते हैं जिस की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेंड लाइन की। तो ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से मुझे दिख रहा है, यहाँ पे एक फेल्ड ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ था, तो ये बेसिकली एक फेल्ड ब्रेकआउट अटेम्प्ट था। अब जाके फाइनली ऐसा लग रहा है स्टॉक इज रेडी टू ब्रेकआउट। इसके अलावा एक चीज और आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए, सिर्फ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है सर तो ठीक है, इतना ज्यादा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के अलावा दोस्तों मुझे एक चीज और आपको नोटिस करवाना है। अगर आप चार्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करें, क्या आपको डेली टाइम फ्रेम पे एक फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है दोस्तों? आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोगों को ये फ्लैग पैटर्न विजिबल है, बट डेफिनेटली मुझे ये फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिख, यहाँ पे मुझे इस तरीके से एक फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। और इस पैटर्न का आपको डेफिनेटली एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख सकता है, और आपको एक स्ट्रांग अपसाइड एटलीस्ट इस लेवल तक तो डेफिनेटली मिलेगा दोस्तों, 2750 तक का, ठीक है। बट इसके साथ इस डेफिनेटली इस मूव के साथ, इस फ्लैग ब्रेकआउट के मूव के साथ, ये डेफिनेटली निफ्टी को भी अपने साथ साथ ड्रैग कर सकता है, उन क्रूशियल लेवल्स को तोड़ने में मदद कर सकता है 17600 और 17800। और जैसे निफ्टी उन लेवल्स को तोड़ता है तो डेफिनेटली निफ्टी भी अच्छा खासा बुलिश हो सकता है दोस्तों। तो निफ्टी के लिए वो लेवल्स तोड़ना जरूरी है, और उन लेवल्स को तोड़ने के लिए रिलायंस अपने मूवमेंट के साथ साथ निफ्टी को भी ड्रैग कर सकता है उन लेवल के पार। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल ऑब्जर्वेशन है मेरी। अब ये होगा या नहीं होगा ये तो आपको आने वाला वक्त बताएगा, आने वाले कुछ दिनों
में आप देख सकते हो, बट ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है और मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। आई हैव एवरी राइट टू बी रॉन्ग। आप लोग भी अपनी खुद की एनालिसिस जरूर करें दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज आपको देखनी चाहिए, आरएसआई जो है स्टॉक की 48 है, ठीक है। आरएसआई में आप एक चीज और देख सकते हो, डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, डबल बॉटम, तो ये भी एक अच्छा साइन, एक पॉजिटिव साइन माना जाता है दोस्तों जनरली। तो यहाँ पे आरएसआई इज अप्रोचिंग टुवर्ड 60-48 है, मे बी आने वाले धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ गैदर करेगा, बट एक बड़ा मूव उसे 60 के पार लेके जा सकता है। इसके अलावा वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम चेक करें तो स्टॉक में स्ट्रेंथ ऑलरेडी दिख रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे आरएसआई ने 52 के लेवल से बाउंस बैक किया है, जो कि अप्रोचिंग टुवर्ड 60 है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। और यहाँ पे आप वीकली टाइम फ्रेम पे क्लियरली देख सकते हो किस तरीके से वो जो फ्लैग पैटर्न जिसकी मैं बात कर रहा था वो आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, तो वो बहुत ही आसानी से विजिबल है। इसके अलावा अगर मंथली टाइम फ्रेम पे चेक करें तो मंथली टाइम फ्रेम में स्टॉक में अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिख रही है दोस्तों, 66 की स्ट्रेंथ है आरएसआई, तो डेफिनेटली स्टॉक में स्ट्रेंथ जरूर है अच्छे मूवमेंट के लिए आगे चल के, जो कुछ दिनों में आपको देखने मिल सका। तो अब दोस्तों किन लेवल्स पे आपको रिलायंस में एंट्री करना चाहिए वो चीज समझने की कोशिश करते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक अच्छा खासा डॉजी कैंडल दिख रहा है बीच में, आपको यहाँ पे विजिबल है, आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा डॉजी कैंडल दिख रहा है, आपको विजिबल है, लॉन्ग लेग डॉजी काइंड ऑफ कैंडल दिख रहा है। इस कैंडल का जो हाई है उसको हम एक सेफ एंट्री लेवल मान के चल सकते हैं दोस्तों, या फिर अगर आप सेटअप में कॉन्फिडेंट हो, मैं जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप कॉन्फिडेंट है सेटअप में और आप कोई भी मूवमेंट मिस नहीं करना चाहते तो आप डेफिनेटली उसे इसमें इमीडिएटली एंटर कर सकते हो। बट फॉर इनएक्सपीरियंस ट्रेडर्स, फॉर कॉशियस ट्रेडर्स, आपको डेफिनेटली सेफ एंट्री लेवल्स के बाद ही इसमें एंट्री करनी है, यानी कि 2500 के लेवल्स के आसपास, ठीक है। आइए उन सेफ लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हो, स्टॉप लॉस डिसाइड कर लेते हो, टारगेट क्या हो सकता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये वो लेवल्स है जो हम बात कर रहे हैं, ये जो सेफ लेवल्स है जो कि इनएक्सपीरियंस और कॉशियस ट्रेडर के लिए है, आपको इन लेवल्स का तोड़ने का इंतजार करना है, जो आपको आने वाले दिनों में डेफिनेटली टूटता हुआ दिखेगा। इन लेवल्स के ऊपर आप एंटर कर सकते हो इसमें, ये आपका स्टॉप लॉस होगा 2300 का, ऑलमोस्ट 2309 का स्टॉप लॉस होगा। ये वो दो टारगेट्स हो सकते हैं जो आपको इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, मे बी 1-3 मंथ्स या फिर विद इन 1 मंथ आपको ये देखने मिल सकता है दोस्तों डेफिनेटली। और ये यहाँ से आपको मिनिमम 10% तक का मूव देखने मिल सकता है दोस्तों, ये डेफिनेटली 10% तक एटलीस्ट आपको यहाँ पे डेफिनेटली देखने मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में। हो सकता है मोमेंटम स्ट्रांग रहे तो आपको और भी हायर लेवल्स देखने मिल सकते हैं, बट एटलीस्ट प्रीवियस हाईस को तो डेफिनेटली टेस्ट जरूर करेगा दोस्तों। अब अगर मैं इसकी डिलीवरी की बात करूं कि कितने लोग इसमें डिलीवरी ले रहे हैं ऑलरेडी, तो आप देख सकते हो आज के दिन में इस स्टॉक में 36% की डिलीवरी हुई है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग डिलीवरी मैं मानता हूं। 25% एंड अबाउट डेफिनेटली एक स्ट्रांग डिलीवरी होती है, तो ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन है रिलायंस के लिए, और आने वाले दिनों में आपको रिलायंस में एक अच्छा खासा मूवमेंट एक्सपेक्ट करना चाहिए, और उसी के साथ साथ निफ्टी में भी एक अच्छा खासा पॉजिटिव अपसाइड एक्सपेक्ट करना चाहिए, प्रोवाइडेड देयर इज नो मोर नेगेटिव न्यूज रिलेटेड टू कोविड। अब ये तो बात हुई कि मेरी एनालिसिस की, मेरे ऑब्जर्वेशन की। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज को आज ही के दिन, आप देख सकते हो दोपहर को ये न्यूज आई थी, 1 दिसंबर को दोपहर को करीब 2 बजे की ये न्यूज आई थी, आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने रिलायंस को रीरेट किया है, टारगेट प्राइस को बढ़ाया है और टारगेट प्राइस 2925 ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट ईयर, एटलीस्ट इतना अचीव मिनिमम कर सकता है दोस्तों। और जिस तरीके का चार्ट पैटर्न मुझे दिख रहा है तो डेफिनेटली दोस्तों ये एक साल के पहले ही आपको ये टारगेट्स होते हुए दिख सकते हैं दोस्तों, बट डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव साइन है, इसके चलते भी स्टॉक में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बना रहेगा, ये भी एक रीजन स्टॉक को चूज करने का। तो दोस्तों आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो, आपकी एनालिसिस क्या बोलती है, आप क्या सोचते हो रिलायंस के बारे में, डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। वीडियो पसंद आया, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग अक्सर लाइक करना भूल जाते हो। कोई भी सजेशन हो या फीडबैक हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आपके लाइक और कमेंट की वजह से ये वीडियो यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्प्रेड करेगा, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इसके अलावा आप अपने फ्रेंड सर्कल फैमिली मेंबर से भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि उनको ये इन्फॉर्मेटिव चीजें पता चले। इसके अलावा आप हमसे फ्री में स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, इंस्टा और ट्विटर पे, और टेलीग्राम के हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जो कि बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द अगले वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको एक शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट दिखेगी, स्टॉक मार्केट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने 1 मिनट में समझाने की कोशिश की, आपको उन्हें जरूर देखना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप इसे शेयर करिए